चलिए चलिएगा, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। देखो हम सब एक दूसरे जैसे हैं साथियों, हम कोई विशिष्ट नहीं है। आप यकीन मानिए मैं एक बहुत सामान्य सा शिक्षक हूं, बस एक फर्क यह है कि मैं इधर खड़ा हूं और आप इधर खड़े हैं। आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं कि आज जहां पर सर खड़े हैं, जहां पर गुरु खड़े हैं, बड़ा भाई खड़ा है, शिक्षक खड़ा है मेरे रूप में, वहां पर हम लोगों को खड़ा होना है। जब इस प्रकार का विजुलाइजेशन बार बार करोगे तो आप ये काम कर सकते हो। मैं बहुत बार आपको कहता हूं साथियों कि ताजमहल आगरा में बनने से पहले किसी कलाकार के मस्तिष्क में बना था और उसका भौतिक स्वरूप जो है हमारे जो है बाद में हमारे सम्मुख आया। उसी प्रकार हमारा जीवन, हमारे अवचेतन की जो शक्ति है, जो हमारा अवचेतन मन है, उसमें किस प्रकार की ट्यूनिंग आप लोग कर सकते हो उस पर ये डिपेंड करता है। मुझे ध्यान है एक बार सचिन तेंदुलकर से ये पूछा गया था कि आप हर मैच में, जब वह अपने उस क्रिकेट की दुनिया में जब यौवन पे थे, जब उनसे ये पूछा गया कि आप हर मैच में किस प्रकार छक्का जो है शतक बना देते हो, आखिर कौन सी टेक्निक है, सचिन तेंदुलकर का जो जवाब था वो बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब था। और उन्होंने ये कहा कि जब मैं रात्रि को मेरे शयन कक्ष में जाता हूं तब जाकर के मैं दूसरे दिन अपने आप को उस मैदान में विजुलाइज करता हूं, अर्थात दिव्य दृष्टि से, अवचेतन मन से वहां पर पाता हूं, और हर बॉल पर मैं जो है संभल के खेलते हुए शतक बनाता हूं, और मैं जो है उसमें रात्रि में अवचेतन मन में ट्यूनिंग करता हूं, मैं शतक लगाता हूं और बल्ला ऊपर उठाता हूं और पूरे दर्शक दीर्घा में जो दर्शक है वो उठ करके तालियां मेरे लिए बजा रहे। इसका मतलब शतक जब दूसरे दिन किसी मैदान पे लगता है उससे पहले किसी के मस्तिष्क में लगना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति वह प्राप्त कर सकता है जिसका वह अधिकारी होता है, लेकिन सवाल यह है कि हम हमारे अवचेतन मन, और अवचेतन मन जो है वो आपके बाहरी मस्तक का 99% शक्तिशाली मस्तक होता है, मस्तिष्क होता है, एक ऐसा मस्तिष्क, एक ऐसा आज्ञाकारी शिष्य होता है। यदि आप अपने अवचेतन मन को जो है एक बार ट्यूनिंग करना सीख गए, एक बार सोचना सीख गए, तो साथियों आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। ये केवल जुमला नहीं है, ये केवल मुहावरा नहीं है, ये केवल जो है एक कहने की बात नहीं है। अरे हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। ये दृष्टि कहां होनी चाहिए? अवचेतन मन में। अब अवचेतन मन में यदि आप इस प्रकार की यदि दृष्टि लेकर के आते हो कि हमें तो कुछ नहीं हो सकता, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, यकीन मानिए आपकी सुंदर सृष्टि का निर्माण कभी नहीं हो सकता। अवचेतन मन को आदेश दीजिएगा। ये ब्रह्मांड जो है, अवचेतन मन जो है उस ब्रह्मांड की भांति है, उस एक जो है अधीन हुए, उस बहुत बड़े जो है जिसको राक्षस कह सकते हैं उसकी भांति है। जब राक्षस को अधीन कर लिया जाता है तो वो आपका आज्ञाकारी शिष्य बन जाता है, उसके आप आका हो जाते हैं, उसको आप जो हुक्म देते हैं वह उसको पूरा करता है। हमारी जिंदगी भी अवचेतन मन रूपी वह जो शक्ति है उसको हमें पहचानना है। उस जैसी दृष्टि उसमें बनाओगे वैसी सृष्टि साथियों हमें बाहर बनानी, हमारी सृष्टि जो है बाहर बनती है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम हर क्षण हर कदम पर यह सोच लेते हैं कि यार हम हमसे नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे इस सृष्टि में कुछ भी अलग भेद नहीं है। हेलो, इस सृष्टि में कुछ भी अलग भेद नहीं है। इस सृष्टि में हर वह चीज जो आपके मस्तिष्क में आती है उसके स्वामी हैं आप। दुनिया की कोई भी चीज जो आपके मस्तिष्क में आ रही है उसके स्वामी हैं आप, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए अहर्निश आपको साधना करनी होगी, घनघोर घटाओं की तरह आपको बरसना होगा उस कर्म रूपी भूमि पर और अपने लक्ष्य की तरफ प्रतिदिन आपको बढ़ना होगा। तब आपके लिए जिंदगी में कुछ भी अलग भी नहीं है। और केवल हम पत्रकार बन के यही बातें करते रहे, एग्जाम कब होने वाला है, वो कब होने वाला है, वो कहां पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। हिलिए बाहिर ढूंढे काई, सब सुख है घट के माही। हिलिए बाहिर ढूंढे काई, तारा सब सुख है घट माही। अरे यहां पर मैं नहीं कह रहा, हमारे संत महात्मा कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर किसको ढूंढ रहे हो। हम साथियों तेरा साई तुझ में जो पोपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। वह उसको जो मृग जो होता है उसको ये पता ही नहीं है कि ये सुंदर सुहावनी सुगंध जो मुझे प्रिय लगती है, जो मेरे लिए रुचिकर है, ये तो मेरे घट के अंदर है, ये मेरी नाभि में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट में राम है दुनिया देखे नहीं। उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए मृग अपना प्राण न्योछावर कर देता है, वन वन में वो ढूंढता है, लेकिन याद करो वह कस्तूरी जो थी उसी मृग की नाभि में थी और उसकी सुगंध को जो है लालायित हुआ वो मृग जो था उस अबोध के कारण, अज्ञान के कारण उसको कहीं बाहर ढूंढ रहा था। इसलिए हमारा संत कहता है कि हे लिए अर्थात हे प्राणी,
बाहर क्या ढूंढता है, सब सुख है घट माई, घड़े में नहीं है, अर्थात ये शरीर रूपी जो घट है इसी में सब सुख है। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हो, तुम चाहो तो यकीन रखना अपनी जिंदगी को नरक भी बना सकते हो। ये पूरी की पूरी जो कायनात है, जो सृष्टि है, ये किसी को भी न तो कम देती है न ये ज्यादा देती है। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए बराबर तरह का विधान रचता है, एक रित जिसे हम सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं। वेदों की जो सार्वभौमिक व्यवस्था है वह कुछ व्यवस्था ऐसी है, यकीन मानना मेरी बात की, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आप सब लोगों को प्रेरित कर रहा हूं, ईश्वर कभी किसी को न तो कम देता है न ज्यादा देता है। सवाल यह है कि हम ही नहीं मांग रहे, हमारा अवचेतन हमारा ईश्वर है और हम उसी को मान नहीं रहे, उसकी मान नहीं रहे, अंदर से हम डरे हुए हैं और बाहर से हम दहाड़ रहे हैं, कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। प्रिय साथियों, ईश्वर का हाथ हमेशा ऐसे होता है और इधर से तथास्तु तथास्तु ऐसा ही होवे, तथा ऐसा अस्तु होवे, ऐसा ही हो। हे प्राणी, जो कुछ भी मांग रहा है वो किसी को बुरा नहीं कहता, ईश्वर का हाथ हमेशा ऐसे होता है ऊपर उठा हुआ आशीर्वाद स्वरूप, वो कह रहा है तथास्तु। जब आप लोग ये कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, यार ईश्वर कह रहा है तथास्तु तुझसे नहीं होगा, जब आप यह कहते हो कि मैं इस संसार में कुछ नया इतिहास बनाऊंगा, मैं इतिहास रच दूंगा, यकीन मानना ईश्वर कहता है तथास्तु। हर समय अपने ऊपर पाइएगा उसको, सिया राम मैं सब जग जानी। साथियों, सर्वत्र राम है, सर्वत्र राम का मतलब वो जो भी हम माने, चाहे उसको हम राम कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, वह सर्वत्र है। और इसलिए जब आप यह कहते हो कि मैं इस संसार में बहुत कुछ करूंगा, बहुत लोगों का भला करूंगा, ईश्वर आपको कहता है तथास्तु। और जब आप यह कहते हो कि मेरे तो भाग्य जो है रुष्ट है, मेरे तो कर्म फूटे हुए हैं, ईश्वर यकीन मानना क्या कहता है, बोलो तथास्तु। अरे हर दिन आप अपने आप से आशीर्वाद ले रहे हो, यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे, जो तुम्हारे शरीर में है वही तो ब्रह्मांड में है। तुम्हारे शरीर में कुछ इंद्रियां, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो तुम्हें आशीर्वाद देती हैं, वो ईश्वर स्वरूपा है। हर दिन हम जो है कहीं ना कहीं, हम लोग कहीं ना कहीं जो है अपने आप को आशीर्वाद देते हैं अपने ही माध्यम से। तुम ही ईश्वर हो, कोई ईश्वर जो है किसी अलग छिपकर के किसी कमरे में या किसी लोकर में बंद होकर के नहीं बैठा है, वह सर्वत्र है। जब सर्वत्र में मैं भी आ रहा हूं, तुम भी आ रहे हो, तो ईश्वर हर वक्त तुम्हारे साथ है। सवाल केवल यह उठता है कि हम उसको मान ही नहीं रहे, और हर समय हर व्यक्ति को लग रहा है मैं तो ऐसे ही हूं, मेरे से ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जो है एजुकेशन अच्छी नहीं हुई इसलिए मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। साथियों, हर व्यक्ति की जिंदगी में ध्यान रखना, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, इस संसार में कोई भी ऐसा जीवित प्राणी या जो पहले हो गए जो अब शरीर नहीं है, ऐसा कोई प्राणी शायद मेरे हिसाब से नहीं था जिसने जीवन में संकट नहीं आई, जो जीवन में कभी निराश नहीं हुआ, जो जीवन में कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ही नहीं इस सृष्टि पर। यह होना मनुष्य के अभिलक्षण है, लेकिन उससे बाहर आना, जगाइए अपनी शक्तियों को, अपना जो सुप्त और गुप्त जो शक्तियां हैं, जो प्रसुप्त है, इनको जगाइए, जगाने का आह्वान कीजिएगा। नख से लेकर शिख तक तुम पूरे ब्रह्मांड हो, तुम एक पूरे पैकेज हो, तुम इस सृष्टि के अद्भुत प्राणी हो। इसलिए कहना चाहिए आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं इस सृष्टि का अनुपम व्यक्ति हूं, मैं इस सृष्टि का अद्भुत प्राणी हूं। लेकिन ये निकलता ही नहीं है साहब, हमें तो कोई ये कहे कि कौन कौन फर्स्ट ग्रेड बनना चाहता है, तो हाथ भी ऐसे खड़ा होता है, हाथ भी हम यूं खड़े नहीं करते। ये हमारी समस्या है, क्योंकि हम जहां पर पैदा हुए हमारा कोई वहां पर वश नहीं था। मैं किस घर में पैदा होऊंगा ये मेरे वश में थोड़ी था, मेरे कौन माता पिता होंगे ये मेरे वश में नहीं था। मेरे वश में यह निश्चित रूप से है कि मैं मरूंगा कैसे और मैं किस रूप में मरना चाहता हूं, ये अपने आप को विजुलाइज करो। हर दिन अपनी मौत को देखो, मैं कुछ प्रवचन उल्टे वाले दे रहा हूं, ध्यान रखना, समझना अभिदा नहीं है। हर दिन अपनी मृत्यु को देखो, और तुम जब यहां से गए तो तुम क्या करके गए, तुम्हारा जन्म जो है वो सब प्रयोजन था। ईश्वर ने तुम्हें अपने जैसा रूप रंग आकार प्रकार वेशभूषा देकर के इस धरती पर भेजा, लेकिन क्या तुमने किया? आखिर ऐसी कौन सा काम तुम करके जाओगे जिसके कारण ये सृष्टि तुम्हें याद रखेगी? ये हमें सोचना होगा, हर दिन सोचना होगा। तुम चार दिन सोचते हो, तुम दो दिन मंदिर में जाते हो और तीसरे दिन कहते हो भगवान कुछ नहीं होता, मेरे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, ईश्वर तो कुछ नहीं होता। अरे ईश्वर सर्वत्र है, हम ही उसको पहचान नहीं रहे, तुम ही तो ईश्वर हो। चार दिन जाने से नहीं, आपको जो है निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि जायेत। योग दर्शन में आता है कि निरंतर दीर्घ काल तक जो है उपासना करनी पड़ती है। एक दो दिन में आपने कहा साहब हमें तो जो है भ्रमर गीत सार समझ में नहीं आया, हमने एक बार पढ़ा और आपने जो है अपनी जो झोला जो था उसको खूंटी पर टांग दिया, तो जिंदगी में वो टंगा रहेगा। जिम्मेदारी लीजिएगा, हर काम की जिम्मेदारी लीजिएगा। हमारे मन मस्तिष्क में क्या रहता है, जब भी हम असफल होंगे किसी पर जो है ठीकरा हम फोड़ देते हैं। ये बातें बहुत कड़वी है साथियों, ये बात सत्य है कि हम जब कभी भी असफल होते हैं हम किसी और पर हमारी असफलता का जो है वो मन देते हैं कि हम इसलिए असफल हो गए। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप जीवन में कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, जीतने के लिए पैदा हुए हो, हारने के लिए नहीं पैदा हुए हो। टूटिए जरूर, गिरिए जरूर,
लेकिन उठने की क्षमता भी आप लोगों में होनी चाहिए। आपको कोई दूसरा पड़ोसी आकर के नहीं उठाएगा। जिम्मेदार बनिएगा, किसी को दिखाने के लिए मत पड़िएगा, किसी को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिएगा। यदि ऐसा करते हो तो इसको आज के बाद में त्याग देना है। आपको गर्व होना चाहिए कि मैं उस कक्षा का हिस्सा था जब सर ने हमें कहा कि हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए। आप स्वयं अपने आप को देखिए, अपने स्वयं अपने आप की अंतर मन में झांक करके आपको देखना है, क्या मैं इसके लिए तत्पर हूं, क्या मैं ये काम कर सकता हूं। साथियों, इन्हीं भावों के साथ मैं आप लोगों से विदा होता हूं।